दोस्तों, मेरी वीडियो सीरीज़ जीरो डिफेक्ट हाउ टू अचीव, इसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी कंपोनेंट का डेटा लेने के लिए हमें सारी प्रोसेस कवर करनी चाहिए। साथ में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी के अंदर क्या क्या लॉसेस होते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सारा कुछ करके दिखाऊंगा। मेरा आप सभी को नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ वीरेश चौहान। मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में एज ए क्वालिटी मेंटेनेंस प्लायर रहते हुए मैंने जो भी डिफेक्ट एनालिसिस किया और जीरो डिफेक्ट कैसे अचीव किया, ये सारी फिलोसफी या सारी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको भी अपनी कंपनी में ये काम करके आप अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे इस डीजी स्कैनर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, जहाँ से कि मैं आपको बताऊँगा कि प्रैक्टिकली हम कैसे किसी डाटा को कैप्चर करेंगे और कैसे हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे अपने एनालिसिस के लिए। हाँ, तो दोस्तों मैं अब आपको लेकर आया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने एक अपनी डाटा रिकॉर्डिंग के लिए मास्टर शीट बनाई हुई है, सिमिलर वे में भी आपको मास्टर शीट बनानी पड़ेगी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सारा जितना भी डाटा है आपका, रिजेक्शन का डाटा जो भी है शॉप का, वो आप पूरा का पूरा अगर एक्सेल में मेंटेन करते हैं तो एक्सेल की शीट में फिर आपको काफ़ी बेनिफिट रहता है आगे एनालिसिस के लिए। क्योंकि एक्सेल की शीट में अगर आपका डेटा रहेगा पूरा, तो उसमें फिर आप आसानी से अपना पाइवोट टेबल बना के उसको एनालाइज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। मास्टर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट कॉलम जैसे मैंने बनाया है कंपोनेंट के लिए, यहाँ कंपोनेंट के सारे नाम आएंगे, जो भी आपकी कंपनी के अंदर कंपोनेंट चल रहे हैं वो सारे नाम यहाँ कैप्चर करने हैं। सेकेंड आएगा डिफेक्ट का। डिफेक्ट के लिए आपको या जिस कंपनी के अंदर लास्ट 6 मंथ में जितने भी डिफेक्ट आपके रिपोर्टेड हुए हैं वो सारे डिफेक्ट आएंगे। एंड उसके बाद जो कॉलम ऐड होंगे वो होंगे जैसे मशीन शॉप 1, मशीन शॉप 2, या आगे पेंडिंग प्रोसेस वगैरह ये आप लगा सकते हो। अब इसमें बात करूँ मैं डिफेक्ट के अंदर, तो डिफेक्ट के अंदर ये सारे डिफेक्ट जो होंगे आपने कैप्चर करने हैं। कोई डिफेक्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई डिफेक्ट छूट गया तो वो आपके एनालिसिस में नहीं आएगा और बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी एनालाइज करने में। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, मैं अगर नीचे जाकर दिखाना चाहूँगा आपको, तो यहाँ मैंने पेंडिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस, एवरीथिंग मैंने यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है डिफेक्ट के रिगार्डिंग। अब देखेंगे जैसे ओवरफ्लो, पेंट क्रैक, पेंट थिकनेस लेस, थिकनेस मोर, स्क्रैच, हाई ग्लॉस, लो ग्लॉस, ये सारे जो है मेरे पेंटेड के प्रोसेस के डिफेक्ट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा दोस्तों, उस नेक्स्ट कॉलम में मशीन शॉप का जैसे मैं बात करूं, तो मशीन शॉप के अंदर मेरी 2 मशीन शॉप हैं जो मैंने एज ए आपको प्रेजेंट करने के लिए बना के रखी हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया, आप आगे अपनी प्रोसेस, पेंटिंग प्रोसेस वगैरह यहाँ आगे ऐड कर देंगे, जो भी प्रोसेस है कास्टिंग की है, मशीनिंग की है, और भी या असेंबली लाइन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मशीन शॉप 1 में मैंने लिया है। मशीन शॉप 1 के अंदर मेरी ये मशीनें चलती हैं, उनके नंबर मैंने दिए हुए हैं। आगे उनके लिए थोड़ा सा मैंने क्लियर करने के लिए कि कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से नंबर की मशीन यूज़ होती है वो डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप यूज़ करते हो अपनी कंपनी के अंदर, मशीनों को जिस तरह से नाम दिया हुआ है आप वो यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आपने मास्टर तैयार कर लिया अपना फर्स्ट शीट में। देन उसके बाद नेक्स्ट शीट में आएगा आपका डेटा इनपुट करने के लिए। डेटा इनपुट करने के लिए आपको कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, आपको डेट लेनी पड़ेगी, उसके बाद शिफ्ट लेनी पड़ेगी, देन मशीन नंबर जो मास्टर से उठ के आएगी, कंपोनेंट का नेम, जो भी कंपोनेंट के नेम आप यूज़ करते हो शॉप में उसमें डिफेक्ट क्या है, टाइप क्या है, क्वांटिटी कितनी रिजेक्ट हुई है। और दोस्तों यहाँ मैंने कॉज भी डाला हुआ है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ हम अभी ए टाइप डिफेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं जिसका कॉज हमें नोन होता है, क्योंकि ए टाइप डिफेक्ट में हमेशा
ऑपरेटर कुछ ना कुछ एक्शन लेता है और वो इमीडिएट एक्शन लेते ही फिर आपका जीरो रिजेक्शन के साथ कंपोनेंट बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, ए टाइप और सी टाइप ये जो कैटेगरी मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, इसमें आपको ये जो भी कॉज है साथ के साथ डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटर को कॉज इसका नॉन होता है। अगर किसी को डाउट है कि ए बी सी डिफेक्ट टाइप में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरे आई बटन में दिया हुआ है पुराना वीडियो, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने लिया है ऑपरेटर। ऑपरेटर इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि किसी डाई कास्टिंग में अगर फुली आपकी डाई कास्टिंग नहीं है फुली ऑटो, तो उस केस में ऑपरेटर का भी जो मैनुअल एक्शन होते हैं, जो मैनुअल काम होते हैं, उनका भी इम्पैक्ट आपकी डाई कास्टिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप देखेंगे, आपने ये अनुभव भी किया होगा कि अगर सेम कंपोनेंट, सेम मशीन, सेम डाई रहते हुए भी ए बी सी से रिजेक्शन में काफ़ी चेंजेज आते हैं, तो आपने ये ऑपरेटर का नाम इसी पर्पज़ से रिकॉर्ड करने हैं, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि कोई उसमें अनट्रेंड ऑपरेटर तो नहीं है जिसकी गलती की वजह से आपका रिजेक्शन बढ़ता जा रहा हो। देन उसके बाद जो आगे वाले कॉलम देखेंगे दोस्तों, इसमें मंथ, स्टेज, शॉप और ये सब मेरा जो है बना हुआ है प्रोग्राम पूरा, तो उसमें आगे के लिए जो पर्टिकुलरली ग्राफ जो ड्रॉ होते हैं ऑटोमेटिकली, ये बेसिकली उनके लिए प्रोग्राम बना हुआ है। तो आप भी अपने हिसाब से ये कॉलम डिसाइडेड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंडेटरी कॉलम है आपके लिए, ये फर्स्ट, डेट, शिफ्ट, मशीन नंबर, कंपोनेंट नेम, डिफेक्ट टाइप, क्वांटिटी, कॉज, कैटेगरी, ऑपरेटर नेम, यहाँ तक तो मिनिमम आपको ये डेटा कलेक्ट करना ही करना है। अब दोस्तों यहाँ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ मैंने बोला टाइप, टाइप का मतलब क्या होता है? टाइप मैंने शॉर्ट में नेम दिए हुए हैं। वीआर का मतलब है जैसे वेंडर रिजेक्शन। वेंडर रिजेक्शन क्या है? कई बार दोस्तों आपकी कंपनी के अंदर जो बाहर से कंपोनेंट आते हैं और वो आपकी अपने यहाँ कास्टिंग में लगते हैं या मशीन में या असेंबली लाइन में लगते हैं, जिनकी वजह से आपका भी कंपोनेंट रिजेक्ट होता है, जबकि वो रिजेक्शन होता है वेंडर के डिफेक्ट के कारण। तो दोस्तों आपने इसके लिए वेंडर एंड पर रिजेक्शन लेने पड़ेंगे, जिससे कि आपके एंड पर जो कंपोनेंट रिजेक्ट हो रहा है वेंडर पार्ट लगने के बाद, उसको आप जीरो कर सको। इसके लिए आपको वेंडर विजिट करना पड़ेगा, उनके साथ एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे और एक्शन लेने पड़ेंगे वेंडर एंड पर। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, आपके यहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट है इनकमिंग इंस्पेक्शन का, तो आप सारा वेंडर रिजेक्शन इनकमिंग इंस्पेक्शन को बताएंगे, जिससे कि वो वेंडर एंड पर एक्शन लेकर इस रिजेक्शन को दूर कर सकें। हम नेक्स्ट आता है दोस्तों एमआर। एमआर मींस मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है मशीनिंग रिजेक्शन। तो आप भी अपनी तरफ से एब्रिविएशन कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। एसआर मैंने लिख दिया जैसे सेटिंग रिजेक्शन। तो इस तरह से सेटिंग रिजेक्शन का भी आपको पता ही है, सेटिंग में भी जब कुछ भी कंपोनेंट रिजेक्ट हो सकते हैं, 2, 4, 6, तो सेटिंग का भी रिजेक्शन हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने ये नहीं सोचना कि सेटिंग का रिजेक्शन मैंने मॉनिटर नहीं करना, क्योंकि सेटिंग के रिजेक्शन में भी क्या होता है, मशीन शॉप में आप ये रिजेक्शन आप जीरो कर सकते हो, लेकिन डाई कास्टिंग में हो सकता है कि आप रिजेक्शन इसको मिनिमम पे मेंटेन कर सको। अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि सेटिंग का भी रिजेक्शन आपका काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है यहाँ पे। यहाँ देखेंगे आप, जैसे ये मशीन ली हुई है मैंने, तो ये मशीन जो ली हुई है इनमें कोई गलती ना हो, इसके लिए ये जो कॉलम है सारे, मशीन, कंपोनेंट, डिफेक्ट, टाइप, बेटर है कि ये हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से उठाएं, जो कि हमने मास्टर बनाया है वहीं से उठानी पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें शायद कुछ इशू है। यस, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है दोस्तों। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी, कोई भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी इनपुट में, जिससे कि जब आप पाइवोट टेबल बनाएंगे तो उसमें ये प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे रिजेक्शन को। अगर आपने यहाँ पे मैनुअल पुट करना शुरू कर दिया दोस्तों इस कॉलम में, इन तीनों कॉलम में, तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, कहीं गैप कम ज़्यादा हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ भी, तो वो क्या होगा, फिर आपकी पाइवोट टेबल एरर देने लगेगी। अब दोस्तों हमने ये मशीन शॉप का डाटा शेयर किया आपको, ऐसी आप कास्टिंग के डाटा के लिए भी शीट बनाएंगे। कास्टिंग के डाटा में भी आपने डेट, शिफ्ट, मशीन, ये सारी चीज़ें लेनी है, कंपोनेंट, डाई, डिफेक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आप देखने वाली बात है, मैंने दो चीज़ें और ऐड की हैं यहाँ पे, जैसे कि डाई मैंने ऐड की है। डाई का ऐड करने का पर्पज़ ये है कि
डाई कास्टिंग में, क्योंकि डाई चलती है और डाई भी मल्टी केविटी की हो सकती है, जैसे ये डबल केविटी की डाई है, कुछ कुछ और भी इसमें हो सकता है कि मल्टी केविटी हो, 4 केविटी हो, 6 केविटी हो, 8 केविटी हो, कंपोनेंट के हिसाब से। देन उसके बाद कैटेगरी, नॉर्मली डाई कास्टिंग में बी कैटेगरी रहती है, क्योंकि अगर नॉन फिल आ रही है आप, तो नॉन फिल के लिए आप डायरेक्ट पाई बाई एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको कई बार कॉज पता लग जाती है, कई बार आपको डीप एनालिसिस करना होता है, तो वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा बी टाइप डिफेक्ट के लिए हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने दिखाया हुआ है इनिशियल, तो इनिशियल शॉट भी मतलब जो डाई वार्म अप के शॉट होते हैं, तो उनको भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, इनको आप जीरो तो नहीं कर सकते, बट इनको मॉनिटरिंग से आपको ये पता लगता रहेगा कि डाई वार्म अप शॉट तो मेरे कहीं बढ़ नहीं गई। इसके बाद लास्ट में, सेकंड लास्ट में देखेंगे क्रैम, मैंने नोट किया हुआ है। क्रैम नोट करने का पर्पज ये है कि अगर मेरी डाई कास्टिंग से कुछ डिफेक्ट पास होके मशीन शॉप पे जा रहे हैं, तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, कंट्रीब्यूटर टू डाई कास्टिंग है बट वो निकल रहे हैं मशीनिंग ऑपरेशन के बाद। तो मशीनिंग ऑपरेशन के बाद नॉर्मली दोस्तों ब्लो होल का रिजेक्शन निकलता है, उसके लिए ये मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता लगेगा, क्योंकि डाई कास्टिंग में तो ब्लो होल आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे जब तो मशीनिंग नहीं होगा, तो इसलिए ये कॉलम भी आप ऐड कर सकते हो, इसके थ्रू आप ये मॉनिटर करोगे कि इसमें किस तरह का रिजेक्शन निकला है। राइट दोस्तों, तो अभी हमने ये डाटा इनपुट की सीट देख ली, हम आगे चलते हैं, इसमें हम देखेंगे कि पाइवोट टेबल कैसे बनाई जाए। ये दोस्तों मैं पाइवोट टेबल का एक एग्जांपल के लिए लेके आया हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने पाइवोट टेबल इस तरह से बनाई हुई है, यहाँ अगर कर्सर आएंगे तो ये साइड में आपको सारा दिखेगा हाईलाइटेड, इसमें आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि ऊपर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से आप कुछ भी आप चेंज करके आप चेक कर सकते हो एनालिसिस के लिए, मशीन नंबर वाइज देख सकते हो, कैटेगरी देख सकते हो एबीसी क्या है, क्रैम अलग से मॉनिटर कर सकते हो, डिफेक्ट वाइज भी देख सकते हो मेरा कौन सा डिफेक्ट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोसेस वाइज भी देख सकते हो किस प्रोसेस में मेरा डिफेक्ट है, बाकी डेट वाइज मंथ वाइज ये सब आप आसानी से देख सकते हो। देन इसके बाद आता है यहाँ नीचे, तो ये मैंने सिंपल वे में शो किया हुआ है, ये कंपोनेंट वाइज मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है पूरा, देन उसके बाद मंथली मेरा कंपोनेंट में क्या रिजेक्शन चल रहा है ये निकाला हुआ है। तो आप अपने हिसाब से फील्ड को चेंज कर करके डिफरेंट टाइप से एनालिसिस कर सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है पाइवोट टेबल से अब डाटा को एक कंपाइल सीट में लाना, इसका नाम मैंने दिया है डिफेक्ट मैट्रिक्स डाई कास्टिंग। तो यहाँ डिफेक्ट मैट्रिक्स में देखेंगे ये 3 मंथ का डेटा मैंने शो किया हुआ है, आप मिनिमम 3 मंथ का ले सकते हैं बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 मंथ का लें, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 6 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोसेस के वेरिएशन कैप्चर होंगे, मशीन के वेरिएशन कैप्चर होंगे, ऑपरेटर्स जो भी होंगे उनके सबके वेरिएशन कैप्चर होंगे, क्योंकि अभी हम फर्स्ट फेज में हम डाई कास्टिंग में ए टाइप डिफेक्ट का एनालिसिस एंड उसके एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं आपसे बात करूँगा सारे जो ए टाइप के डिफेक्ट होंगे उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये एक ग्रुप भी मैंने डिफाइन कर दिया है, ग्रुप डिफाइन करने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके सिमिलर टाइप के कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट डाइम उनकी हैं तो आप उनका एक ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऑयल पंप का एक ही मॉडल है, डाइयाँ अलग हैं, अलग अलग मशीनों पर चलता है, मशीन नंबर आप देखेंगे 19, 20, 28, 22, ऐसी बी ग्रुप मैंने डिफाइन कर दिया है ये प्लेट के लिए, ये अलग अलग मशीनों पर चलता है, उनका प्रोडक्शन क्वांटिटी भी वेरी करती रहती है। तो दोस्तों आप इसमें पार्ट नंबर भी दे दें तो और अच्छा होगा, क्योंकि कई बार हम एक ही नाम से पुकारते हैं किसी कंपोनेंट को बट उसका पार्ट नंबर अलग होता है। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन क्वांटिटी नोट की है, प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ ही ये सारे डिफेक्ट जो रिपोर्ट हुए हैं लास्ट 3 मंथ में वो नोट किए हैं उनका, फिर यहाँ पे ये जो जितने भी डिफेक्ट आए ये सारे इनका यहाँ ग्रांड टोटल किया है, इधर आप देखेंगे। इसके बाद आपको 2 चीज़ें और निकालनी पड़ेंगी इसमें, ये मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको कंपोनेंट वाइज और डिफेक्ट वाइज एनालिसिस करना है तो ये बहुत ज़रूरी है निकालना, डिफेक्ट परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट प्रोडक्शन क्वांटिटी, यानी कि आपने इस कंपोनेंट का कितना प्रोड्यूस किया और उसमें से कितना आपका टोटल रिजेक्ट हुआ,
तो ये आ गया 25.35%, राइट। ऐसे ही आप नेक्स्ट निकालेंगे फिर डिफेक्ट परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू टोटल डिफेक्ट क्वांटिटी। टोटल डिफेक्ट क्वांटिटी कौन सी है दोस्तों? ये जो पूरा ग्रांड टोटल है इसका नीचे, फिर अगेन मैंने ये पूरा सम कर दिया है, नीचे जाकर देखेंगे आप, मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये मैंने पूरा सम किया हुआ है इसका 92,350, ये पार्ट टोटल रिजेक्ट हुआ है मेरे 3 मंथ में। तो इसके बेस पे मैंने फिर ये आपका डिफेक्ट परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू टोटल डिफेक्ट क्वांटिटी ये निकाला हुआ है। तो आपने भी दोस्तों इसी तरह से अपने शॉप में ये दो रिजेक्शन डेटा आपको जरूर नोट करने पड़ेंगे, जिनसे कि आपको आगे एनालिसिस में बेनिफिट मिलेगा। आप अपनी मैनेजमेंट को अगर देखना चाहें कि कंपोनेंट वाइज मेरा क्या चल रहा है, डिफेक्ट वाइज मेरा क्या चल रहा है, तो आप मैनेजमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मेरा प्रोडक्शन वाइज। प्रोडक्शन वाइज इसमें क्या किया है मैंने, इसको प्रोडक्शन वाइज जो है प्रायोरिटाइज किया है। तो प्रायोरिटाइज करने का पर्पज क्यों है? क्योंकि कुछ कंपोनेंट दोस्तों आपके ऐसे होंगे शॉप के अंदर जो महीने में एक या दो बार ही चलते होंगे। अगर आपने उन कंपोनेंट के ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर दिया और एनालिसिस के लिए ऐसे ही पार्ट ले लिए जो महीने में चलते ही 2 दिन है, उनका वॉल्यूम भी कम है, तो दोस्तों उसमें आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल रिजेक्शन पर वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और अगर आप एक्शन ले भी लेते हो तो उनका मॉनिटरिंग करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि महीने में वो 2 बार ही चलते हैं। तो बेटर है कि आपने प्रोडक्शन वाइज प्रायोरिटाइज कर लीजिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऐसे कंपोनेंट रखिए जो लगभग डेली चलते हों या जिनका प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई हो। तो इसी तरह से मैंने Z2A कर दिया है, हाई प्रोडक्शन से लो प्रोडक्शन की तरफ। और नीचे देखेंगे दोस्तों इसके लिए मैंने इनको लो वॉल्यूम कंपोनेंट को अलग कर रखा है। लो वॉल्यूम जैसे मैंने डिफाइन कर दिया कि 2000 से नीचे के मैं लो वॉल्यूम में काउंट करूंगा, ऐसे आप भी अपनी कोई क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। 1000 से नीचे के लो वॉल्यूम में आते हैं आपके यहाँ, या हो सकता है 3000 से नीचे के लो वॉल्यूम में आते हो, तो आप उनको अभी फर्स्ट फेज में एनालिसिस के लिए छोड़ सकते हो। देन उसके बाद हाई प्रोडक्शन कंपोनेंट को फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ कंपोनेंट वाइज रिजेक्शन निकालना है दोस्तों। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं मैंने ये डिफेक्ट परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट ये निकाल के रखा हुआ है। अब इसको मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया, यहाँ पे हाई रिजेक्शन वाले कंपोनेंट मैंने ऊपर रखे हैं, लो रिजेक्शन मेरे नीचे हैं। आप देखेंगे तो ये लो रिजेक्शन मेरा नीचे है। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको कंपोनेंट वाइज चलना है तो टॉप 3, 4, 5 कुछ भी आप अपने एनालिसिस के लिए टॉप 3 या टॉप 5 कंपोनेंट आप एनालिसिस के रिजेक्शन के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लैरिटी आ गई अब डाटा एनालिसिस के बाद कि मेरा एक पैन ऑयल कंपोनेंट है जो मशीन नंबर 19 में चलता है, और उसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन हो रहा है, परसेंटेज भी काफ़ी हाई है उसकी। तो इस तरह से आप यहाँ से ये कंपोनेंट वाइज चूज कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट वाइज नहीं लेना चाहते आप तो आप इसी चीज़ को डिफेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मैंने विद रेस्पेक्ट टू डिफेक्ट कर दिया है, यहाँ पे ये कंपोनेंट चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे ग्रुप भी चेंज हो गया, ये दूसरे कंपोनेंट आ गए, मशीन नंबर अलग, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो मेजर डिफेक्ट है मेरा नॉन फेल है, और डिफेक्ट वाइज में अगर आप देखेंगे तो 19.47% है, और उसके बाद ये नीचे डिफेक्ट परसेंटेज डाउन होती चली जा रही है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमें ये पता लग गई कि हमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो हैं हमारे कंपोनेंट कौन कौन से हैं, या मेजर डिफेक्ट कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसके बेस पे आपने आगे की प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। आगे की प्लानिंग के लिए मैं आपको फिर प्लान के बारे में बता देता हूँ, प्लान कैसे बनाना है। प्लान बनाने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ कंपोनेंट वाइज प्लान लिया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये ग्रुप, कंपोनेंट और मशीन नंबर, और देन उसके बाद ये डेट डाल दी है यहाँ सारी। इसमें मैंने जो प्लान बनाया है यहाँ पे वीक के अंदर 2 पार्ट की मैं स्टडी करूँगा, क्योंकि एक कंपोनेंट के लिए मैंने 3 दिन रखे हैं, और वीक के अंदर 2 पार्ट करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि ए टाइप डिफेक्ट के लिए आप जल्दी स्टडी कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ए टाइप डिफेक्ट में, क्योंकि हमें कॉज नोन होता है तो एक्शन भी हम जल्दी ले सकते हैं, एक्शन प्लान भी हम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं,
तो दोस्तों आप अपनी कंपनी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर आपकी टीम का कहना हो कि सर हम वीक में दो ना लेके चार कंपोनेंट भी ले सकते हैं, या हो सकता है कि आप वीकली वन कंपोनेंट भी लें। तो ये डिपेंड करेगा आपकी जो CFT होगी या क्रॉस फंक्शनल टीम जो भी आप बनाएंगे उनका ज्वाइंट एनालिसिस कैसे होगा और ज्वाइंटली डिसीजन क्या रहता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को अगर आप पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें दोस्तों, साथ में आप इसको शेयर भी करें। हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, आपके कमेंट्स की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के अंदर आपको और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और चीज़ें मेरे को ऐड करनी है, तो मैं आपके कमेंट्स को देखते हुए वो चीज़ें ज़रूर ऐड करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए दोस्तों, और उन वीडियो से आप बेनिफिट लेते रहिए। मेरा आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद।